हरियाणा के तीन पावर प्लांट की कुछ यूनिट में दिक्कतों की बात सामने आई थी और अडानी ग्रुप के थर्मल प्लांट से बिजली नहीं मिलने की रिपोर्ट भी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में जहां बिजली संकट की बात कही जा रही है, तो वहीं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ती गर्मी के साथ हरियाणा में बिजली संकट भी गहरा सकता है। प्रदेश के कुछ पावर प्लांट में तकनीकी खामियां सामने आई, साथ ही अडानी ग्रुप के थर्म प्लांट से भी बिजली नहीं मिलने की रिपोर्ट है। हालांकि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है और कहा कि पावर प्लांट यूनिट्स में कुछ तकनीकी खामियां थी, उन्हें ठीक कर लिया गया और अडानी ग्रुप का डेलीगेशन भी मिला है, अब सब कुछ कंट्रोल में है। कारण ये था कि 1400 मेगावाट हमें अडानी से मिले थे, जिसके आने में अभी कोई डिस्प्यूट है हमारा, कुछ आपस की वेरिफिकेशन है वो हो रही है, जल्दी हो जाएगी। कल एक और वजह थी कि हमारा एक थर्मल का यूनिट जो था खेदर का, वो बंद था, जिसमें 600 मेगावाट प्रोडक्शन है, वो कल शाम से शुरू होगी, आज से अवेलेबल है। और 250 मेगावाट हमारी पानीपत की तीन यूनिट में एक बंद था, वो आज चल पड़ी, दो पहले चल रही थी, आज हमारी सब ऑन है। तो 850-850 में मिल गई, तो जो 600-700 की थी वो आज हमारी कवर हो रही है, आज से नहीं होगी। बाकी हमें जरूरत पड़ती है तो कोई 12 रुपये पर यूनिट अभी बाजार में मिली है, सब लोग ले रहे हैं, हम पावर ले रहे हैं। कहीं भी हमारी कोशिश रहती है कि कहीं भी कट ना लगे, पर कहीं क्योंकि पीक सीजन है, कहीं 10-20 मिनट का आ जाता है तो भी उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने यह भी साफ कर दिया कि प्रदेश में कोयले की कमी नहीं है, कोयले की वजह से बिजली सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जब बहुत हीट होती है तब बिजली सप्लाई ट्रिप कर जाती है। सब जगह जो यूक्रेन का क्राइसिस आया उसमें ऑयल और कोयले का बाकी जगह संकट आया, पर हमारे हरियाणा में कोई संकट नहीं, हमें अगले एक महीने भी कोई संकट नहीं, हम पे कोल अवेलेबल है, कोल की वजह से कोई थर्मल नहीं रुकेगा। टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, उसकी वजह से हमारा खेदर रुका था, 3 दिन रुका, उसे 72 घंटे ठंडा होने में चाहिए, जैसे वो ठीक हो गया उसके बाद हमने ठीक करके बेल से BHEL से आए थे हमारे इंजीनियर करा के चले गए। हरियाणा में पिछले साल जून जुलाई तक 12,120 मेगावाट एक दिन में टॉप डिमांड थी और इस बार भी सरकार मांग के मुताबिक बिजली उपलब्ध करवाने का दावा कर रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।